ठेकेदार ने करवाया था, अब पूरा फूट गया श्रीमान। तो अब हमें नगर निगम से सी कर्वेचर आर मशीन है, सी आर मशीन बोलते हैं उसको, तो उसमें उसका जो शेप है ना सी की तरह है, उसको कर्वेचर के निर्माण के अंदर कब से कब चलता है आपका? 9 से 6 तो क्या काफ़ी दो लोग हैं आसमान में, एक वार्ड में पेशेंट एडमिट कर रहे हैं, उनका उनको लेकिन वगैरह सर आप जिला अस्पताल में आ जाएँ, आपने भ्रमण किया क्या पाया सर? इन जनरल एक रूटीन था विजिट यहाँ का कि जिला अस्पताल में क्या क्या व्यवस्थाएँ मौजूद हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, उसका एक नॉर्मल विजिट था। व्यवस्थाएँ जैसी होनी चाहिए जिला अस्पताल में उस हिसाब से संतोषजनक पाई गई हैं, बट अभी और भी इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो प्रयास करेंगे डॉक्टर्स की टीम के साथ मिलकर आने वाले टाइम से इस जिला अस्पताल को और अच्छे से क्रियान्वित कर सकें। सर ट्रॉमा सेंटर के लिए आपने क्या सोचा है? ट्रॉमा सेंटर में वर्तमान में जैसा कि बताया गया कि मशीन्स तो हालांकि अभी चल रही हैं, लेकिन जो इसमें हमारा ओटी है उसको मॉडलर ओटी के रूप में बनाया जा रहा है, तब तक ओटी को हमने मेन बिल्डिंग में शिफ्ट किया, जब वो वाला ओटी भी वहाँ बन जाएगा तो पूर्ण रूप में उस बिल्डिंग को शुरू हम कर सकेंगे। थोड़ा सा स्टाफ का इशू है तो उसके लिए शासन प्रशासन से डिस्कस करके और स्टाफ की व्यवस्था कराने का यहाँ प्रयास करेंगे। सर एनआरसी में मतलब जो 20 मिनट का था बताया गया था, बच्चे कम पाए गए उसमें एनआरसी के लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि चूंकि अभी देवास में माल न्यूट्रिशन की समस्या है, इसलिए एनआरसी तो 100% ऑक्यूपेंसी के साथ ही चलनी चाहिए, इसलिए सीडीपीओ को भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और आशाएं हमारी प्रयास करें अधिक से अधिक लोग मोटिवेट हो सकें और जिनके बच्चे कुपोषित हैं वो अवश्य रूप से एनआरसी में आएं। और वैसे भी एनआरसी में जितने दिन माताएं रहती हैं उतने दिवस की मजदूरी भी उनको उपलब्ध करवाई जाती है, इसलिए माताओं से भी निवेदन है कि जिनके बच्चे कुपोषित हैं ताकि बच्चे जल्द से जल्द ठीक हो सके उनको एनआरसी में भर्ती करवाएं। सर कुछ दिन पहले जिला अस्पताल से आंखों की जांच करने के 2.5 लाख रुपए हाँ इसका मामला आया है संज्ञान में कि इस प्रकार की मशीन वर्तमान में नहीं पाई जा रही है, तो CMHO महोदय को इसकी जाँच दी गई है, जैसे ही उसका रिजल्ट आता है हम आपको बताएंगे। कुछ महापूर्व में बच्चे चोरी का भी मामला सामने आया था, ऐसा बताया कुछ महापूर्व यहाँ पर बच्चे चोरी का मामला भी आया था, बट आई थिंक अब यहाँ पर CCTV कैमराज लगे हैं और सब काम कर रहे हैं। ठीक सर, थैंक यू सर।